हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो फायरमैन पुलिस का जो कि रिजल्ट आ चुका है, तो बिहार अग्नि सेवा समन सेवा में अग्निक पद की 2380 रिक्तियों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परीक्षाफल जो कि ये 27/3/2022 और 28/8/2000 कुल 689,594 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में 4,97,072 अभ्यर्थी सामने 327 कदाचार के आधार पर आयोग घोषित किए गए 4,96,745 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया एवं भर्ती हेतु विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटियों के रिक्तियों का 5 गुना है जो कि चयन किया गया है। तो 5 गुना है जो कि इसमें चयन किया गया है। और सीटों की संख्या आप देख सकते हैं किस तरह है। जनरल की 957, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 238, अनुसूचित 378, अनुसूचित जनजाति का 23, 419 है जो कहते हैं पिछड़ा वर्ग का 268 और पिछड़ा वर्ग की महिला का 97। और ये मूल रिक्ति का 5 गुना जो रिजल्ट दिया गया है वो आप देख सकते हैं। दोनों गैर गृह रक्षक का और बिहार गृह रक्षक दोनों का दिया हुआ है। तो टोटल जो है रिजल्ट है जो कि 11,240 दिया गया है। और उपयुक्त सारणिक में है जो कि ये दिया हुआ है +1 समान अंक आयु के आधार पर दिया गया है। गृह रक्षक कोटि में जो कि 660 अभ्यर्थी जो कि चयनित हुए हैं। ये रिजल्ट है जो कि फाइनली है जो कि आपको जारी हो गया है और ये आप लोग देख सकते हैं 58 पेजों में है ये रिजल्ट है जो कि। और ये सीरियली वाइज है, ऐसा नहीं कि ये जो है। तो ये सीरियली वाइज है। इसके बाद क्या की क्या प्रक्रिया होगी तो इसको देखते हैं। ये जो तो इसके बाद की जो इस प्रक्रिया होगी उसके बारे में जानते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दस्ता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दस्ता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन संख्या 1/2021 के अनुरूप होंगे। विज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शारीरिक दस्ता परीक्षा के संबंध में अलग से सूचना समाचार पत्रों पर प्रकाशित किया जाएगा और वो अलग से जो कि उसका एडमिट कार्ड भी फिर जारी किया जाएगा। शारीरिक दस्ता परीक्षा की निर्धारित तिथि प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है। दूसरा अवसर है जो कि नहीं दिया जाएगा। और पीईटी में क्या क्या चीज़ चाहिए? वैध फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए महिला का जाति जो कि प्रमाण पत्र है जो कि पिता के आधार पर होना चाहिए। और क्रीमिलेयर भी पिता के पति पर होना चाहिए। बिहार राज्य का स्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए है। और बिहार राज्य के गृह रक्षक होने संबंधी गृह रक्षक अभ्यर्थी उनका केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होमगार्ड का वैध आईडी शारीरिक दस्ता परीक्षा समय लाना होगा। और क्या दिया हुआ, बिहार राज्य कमजोर वर्ग के लिए जो कि इसके अनुसार सर्टिफिकेट चाहिए और कोरोना का पालन करना चाहिए। तो ये जो है आपको फाइनली है जो कि। और कब होगी आखिर ये जो शारीरिक दस्ता परीक्षा है ये आपको कब होगी? तो ये उम्मीद है आपको अक्टूबर में हो सकती है, पहले या दूसरे सप्ताह में। तो ये बिहार पुलिस का भी रिजल्ट जारी हो गया और ये बिहार फायरमैन पुलिस का भी 2380 पदों का है जो कि रिजल्ट है जो कि जारी हो गया है। अब आते हैं सड़सठवीं बीपीएससी। तो कई जगह मांग चल रही है कि ये डेट जो 21 तारीख को है उसको बढ़ाया जाए और अभी तक है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि नहीं आया है। और अगर आने की होगी तो 1-2 दिनों के अंदर है जो कि 2-3 दिन के अंदर अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो इसका मतलब है कि क्योंकि तो अभी उसके अनुसार है जो कि एडमिट कार्ड भी जारी करना पड़ेगा और टाइम भी बहुत कम है, सूचना भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो कि ये 2-3 दिन जो है एडमिट कार्ड और ये जो पहले परीक्षा तिथि उसकी सूचना देना उसके बाद एडमिट कार्ड बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है 67वीं बीपीएससी के लिए।
बीएसएससी सीजीएल के लिए जो कि अभी तक कोई तिथि जो की जा रही नहीं, वो जब भी ये परीक्षा होगी तो अक्टूबर में ही संभावना है। तो देखना है कि अक्टूबर में किस तिथि को परीक्षा होगी, क्योंकि 16 को है जो कि आपको सीएसपीसी का एग्जाम है, और वो डेट है जो कि मद्य निषेध सिपाही का है जो कि घोषित किया जा चुका है। तो बिहार पुलिस और फायरमैन का रिजल्ट है जो कि अब घोषित हो गया। अब वैकेंसियों की बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का वैकेंसी है जो कि कब आए। हालांकि अगर आप सुगबुगाहट की बात करें तो अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, बीच में था कि अगस्त तक आएगा, जैसे ही संविदा वाला और प्रमोशन वाला जो बिहार दरोगा है, तो कहीं ना कहीं जो कि ये संकेत मिल रहे हैं कि अभी इसमें देरी होगी। कितनी देरी होगी ये कहना मुश्किल है। इसी के साथ धन्यवाद।